खंड स्तरीय अंत्योदय मेले का आयोजन मंडी परिसर में किया गया, जहां राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, विधायक कल्याण सिंह ने अनेक हितग्राहियों को अनेक योजनाओं से लाभ दिलाया। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय एचएम सर से उस वार के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टंडन जी का उस वार से स्वागत करने का प्रवेश करें। मैं अनुरोध कर रहा हूँ एचएम सर से जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानित श्री तोरण सिंह जिदानी साहब का उच्च बैठ कर स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूँ एचएम सर से सम्मानित श्री मनोज कटारी जी का भी कुछ बैठकर स्वागत करने का प्रश्न करेंगे। पुनः इसी कड़ी में अनुरोध है जनपद पंचायत विदिशा के अध्यक्ष श्रीमती रामदेवी ठाकुर जी का कुछ बैठकर स्वागत करेंगे। मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय एचएम सर से। मैं जनपद पंचायत विदिशा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती वंदना शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ मंडी अध्यक्ष जी का कुछ घंटे का स्वागत करें। मैं मैडम से बड़ा अनुरोध करता हूँ कुछ घंटे का स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं सीओ जनपद पंचायत मैडम से अनुरोध करता हूँ पीछे जो हमारे सम्मानित जनपद जी बैठे भारत माता की। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार उनका ये प्रयास रहा है कि हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने और उस दृष्टि से उन्होंने अनेक प्रकार के स्वरोजगार की योजनाएं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिले, ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग खुले और हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र के जो शिक्षित बेरोजगार हमारे बच्चे हैं उनको रोजगार स्वयं का रोजगार भी वो कर पाए। इस दृष्टि से अनेक योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी ने लागू की हैं। आप सबको विदित होगा कि प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत जो भी हितग्राही ऐसे हैं जो अपनी जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं उसका उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि हमारे संपूर्ण जनसर सम्मानित बहनों और भाइयों, प्रेस एवं मीडिया के सभी मित्रगण, अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण देखा, मुख्यमंत्री जी का भाषण आपने सुना। सरकार की योजनाओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से अपनी बात आपके समक्ष रखी। मेरा मंच के माध्यम से केवल इतना कहना है कि आप सब लोग इन योजनाओं को लाभान्वित होकर कहीं कोई समस्या हो
तो जनप्रतिनिधियों के पास जाए, लेकिन इन योजनाओं का लाभ आप लोग जरूर उठाएं, क्योंकि योजनाओं का लाभ लेने में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का हम लोगों को पालन करना होता है। इस प्रक्रिया में कहीं कोई समस्या हो तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से अपनी समस्याओं को आप लोग दूर करें। श्रीमती सुनीता भाई, श्रीमती सुनीता भाई, मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत स्वीकृति पत्र मैं साथ लेकर आए। श्री जसवंत सिंह ग्राम भाटी कल्याण योजना के तहत श्रीमती पार्वती भाई प्रणाम।